तो हाय गाइस, हम इस वीडियो में एक स्काई फ्लाइट ट्रांसमीटर को इस रिसीवर से बाइंड करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होगी, जो मैंने 11.1 वोल्ट 3S बैटरी यूज़ कर रहा हूँ और 13 एम्पियर का AC का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ESC के चैनल नंबर 3 में या कोई से भी एक चैनल में हम इसे कनेक्ट कर देंगे ESC को। ये हमने ESC को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये बाइंड प्लग है, जो इसे PVC पोर्ट में लगाएंगे। जो ये ऊपर ऊपर होता है, इसमें यहाँ पर हमने बाइंड प्लग तो लगा दिया। अब हम इसे पावर देंगे। हमारे ESC में लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि हमारा ये डिवाइस को सर्च कर रहा है, हमारा रिसीवर। अब हमें क्या करना है कि जो ये यहाँ पर ट्रांसमीटर में बाइंड बटन दे रखा है, इसे हमें प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के साथ साथ हमें ट्रांसमीटर को पावर देना, ऑन करना है। ये हम देते हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अब हम इसे बाइंड बटन को प्रेस करके और पावर देते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर इससे बाइंड हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड ब्लिंक कर सॉलिड हो गई है लाइट, जो ब्लिंक कर रही थी, यानी कि हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर से बाइंड हो चुका है। अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि सबसे पहले रिसीवर से पावर को कट करें, ना कि ट्रांसमीटर से। हमें बाइंड पिन विन सब निकाल देनी है। अब ट्रांसमीटर को एक बार ऑन बंद कर देते हैं, ट्रांसमीटर को साइड में रख देंगे और फिर हमें चैनल नंबर 3 रिसीवर को कनेक्ट कर दिया। मेरे पास एक ये ब्रशलेस DC मोटर है, जिसे हम इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे हमारा रिसीवर बाइंड हुआ कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पर तीनों वायर्स आपस में अटैच कर दिए और हम अब इसे पावर देंगे। अब हम ट्रांसमीटर को ऑन कर लेते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर, अब हम ट्रांसमीटर को थ्रोटल देंगे यहाँ से। ये अब आप देख सकते हैं, यहाँ से हम थ्रोटल देते हैं और ये हमारी मोटर रन करती है, यानी कि हमारा रिसीवर इससे बाइंड हो चुका है और वर्क भी कर रहा है। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK टेक्निकल। बाय।